हेलो स्टूडेंट्स वी विल अगेन स्टार्ट विथ चैप्टर फिफ्टीन ब्लो हॉट ल्लो कोल्ड वी ब्लो एयर टू कूल हॉट थिंग्स मीन्स हमें जब कुछ चीज़ें ठंडी करनी होती है तो भी हम फूक मारते हैं वी ब्लो एयर टू वार्म कोल्ड थिंग्स मतलब जब ठंड लगती है हमारे हाथों को तब भी हम हमारी हवा से हमारे हाथों को गर्मी देते हैं लेट्स सी हाओ नाओ आप भी सोचोगे कि फूक मारते हैं दोनों चीज़ों के लिए ठंडा करने के लिए भी और गर्म करने के लिए भी हाउ इज़ दिस पॉसिबल सो सी हियर इन पिक्चर वन मिनी ट्राई टू कूल हर टी बाई ब्लोइंग ऑन इट विच डू यू थिंक विल बी हॉटर मिनीज टी और द एयर शि ब्लू फ्राम द माउथ मीन्स मिनी ने अपनी जो चाय थी वो चाय को फूक मारी अपनी चाय ठंडी करने के लिए तो आपको क्या लगता है इसमें ठंडी चीज़ कौन सी होगी मिनी ने जो फूक मारी उसकी फूक ठंडी होगी या चाय ज़्यादा ठंडी होगी सी हियर यू कैन सी हॉट टी इज़ हॉटर देन और ब्रीथ सो वी कैन ब्लो एयर एंड मेक द टी कूल मतलब जो चाय है वो हमारी हवा जो फूक है उससे गर्म है इसीलिए हम जो फूक मारते हैं उससे चाय ठंडी हो जाती है नाउ हियर इन पिक्चर टू सोनू वॉज़ फीलिंग वेरी कोल्ड ही कैप्ट ब्लोइंग ऑन टू हिज हैंड नाउ थिंक एंड राइट विच विल बी कूलर सोनूज़ हैंड्स और हिज ब्रिद मतलब सोनू को बहुत ठंड लग रही थी और वो अपने हाथों को फूक मार रहा था तो आपको क्या लगता है कौन सा कौन सी चीज़ ज़्यादा ठंडी होगी उसकी फूक या फिर उसके हाथ अगेन हेयर इन विंटर Our hands become cooler and our breath is warmer than our hands so we can blow air and warm up our hands means winter season में हमारे हाथ बहुत ठंडे हो जाते हैं और हमारी जो breath मतलब हमारी जो अंदर बॉडी के अंदर जो फूँक है वो हमारे हाथों से ज़्यादा गर्म होती है इसीलिए हम जब हाथों के ऊपर फूँक मारते हैं तो हमारे हाथ हमें गरम लगते हैं गरम हो जाते हैं और हमारी फोक भी गर्म लगती है नाउ हियर यू कैन सी सम विंड विंड इंस्ट्रूमेंट्स मीन्स ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर एयर का यूज़ होता है नाव हैव यू सीन सम वन ब्लोइंग ऑन द स्पेक्टिकल्स टू वाइप दैम क्लीन हाउ डज दिस एयर फ्रॉम द माउथ हेल्प इन क्लिनिंग द स्पेक्टिकल्स स्पेक्टिकल्स मीन्स चश्मा तो आपने देखा होगा कि कितने लोग ऐसे फूँक मारते हैं अपने चश्मे के ऊपर या कांच के ऊपर और उसको क्लीन करते हैं तो ऐसे कैसे क्लीन होते हैं ये कैसे होता है नाव यू कैन ऑल्सो डू दिस टेक अ ग्लास ब्रिंग इट नियर योर माउथ एंड ग्लो हार्ड ऑन इट डू दिस टू टू थ्री टाइम्स डज दिस ग्लास लुक हीजी मतलब एक कांच का टुकड़ा लो और आपको ध्यान रखना है वो कांच आपको लगना नहीं चाहिए और क्या करना है आपको उसको कांच के ऊपर दो तीन बार फूंक मारनी है और वो ग्लास आपको हेज़ी दिखेगा और फिर आपको देखना है वो ग्लास को क्या होता है कैन यू मेक अ मिरर हेजी इन द सेम वे कैन यू टेल बाय टचिंग टचिंग द मिरर व्हाट मेड इट हेजी इज़ द एर यू ब्लू फ्रॉम द माउथ ड्राई और वेट मतलब आपको मिरर देखना है उसको हेज़ी बनाना है क्या आप उसको हेज़ी बना सकते हो और क्या आप उसको टच करके बता सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ कम लेट्स सी दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन ऑफ आर ब्रीथ ऑन कोल्ड ग्लास सरफेस मैम हैज़ ऑलरेडी एक्सप्लेन यू वॉट इज कंडेंसेशन मैम ने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि कंडेंसेशन क्या होता है द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ गैस इंटोल लिक्विड ऑन कोलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन मतलब गैस का जो लिक्विड में टर्न हो जाना उसे हम बोलते हैं कंडेंसेशन जैसे आपकी मम्मी कुछ खाना बनाती है तो अगर उसके ऊपर कुछ ढक्कन रखा होगा तो आपने देखा होगा जब वो ढक्कन खुलता है तो उसके ऊपर पानी के ड्रॉप्स दिखते हैं क्यों क्योंकि उसमें वेपर मतलब जो एक गैस था वो गैस वापस वाटर में टर्न हो गई तो इसे हम बोलते हैं कंडेंशेशन लाइक वेपर्स कंडेंसेस ऑन कोल्डर सरफेस ऑफ द लिड इन टू वॉटर ड्रॉपलेट्स जैसा मैम ने अभी बताया जैसे ढक्कन के ऊपर गैस वापस लिक्विड के अंडर टर्न हो जाता है उसे हम बोलते हैं प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन नाउ वी विल रीड हाउ मैनी ब्रीद्स इन वन मिनट पुट योर फिंगर अंडर योर नोज कैन यू फील एनी एयर वैन यू ब्रीद आउट फ्रॉम योर नोज आप अपनी नोज़ के नीचे फिंगर रखिए और फिर देखिए आपके उंगली के ऊपर आपको फील होगा कि नोज़ में से हवा आ रही है जा रही है काउंट हाउ मनी टाइम्स इन वन मिनट डू यू ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट अब आपको क्या करना है देखना है कि एक मिनट में आप कितनी ब्रीद कितना ब्रीद करते हो ठीक है मतलब पूरी एक सांस अंदर ली और बाहर निकाली तो वो होती है आपकी वन ब्रिथ फिर वापस अंदर ली बाहर निकाली तो वो सेकेंड ब्रिथ ऐसे आपको काउंट करना है तो वो आप काउंट करोगे तो आपको राउंड अबाउट ट्वेंटी ब्रिथ अबाउट ट्वेंटी ब्रिथ मिलेगी देन जंप थर्टी टाइम्स डू यू फील ब्रेथलेस अभी आप बहुत सारा जंपिंग करो राउंड अबाउट थर्टी टाइम्स फोर्टी टाइम्स जंपिंग करो नाउ अगेन काउंट हाउ मेनी टाइम्स इन वन मिनट यू ब्रीथ इन एंड आउट अभी वापस आपको काउंट करना है कि आपने कितनी ब्रीद अंदर बाहर की तुरंत ही जंपिंग करने के बाद तुरंत ही गिनना है नाव वॉट वॉज द डिफरेंस इन योर काउंट बिफोर एंड आफ्टर जंपिंग कितना डिफरेंस था तो देर विल बी डिफरेंस अबाउट टेन टू फिफ्टीन ब्रेथ मतलब जब आप जंपिंग करके जब काउंटिंग करते हो तो आपकी ब्रीथ ज़्यादा काउंट आएगी पहले जैसे ट्वेंटी ब्रीथ आई थी बाद में आए जंपिंग करने के बाद आपकी थर्टी या थर्टी फाइव के आसपास आएगी क्योंकि आपकी ब्रीथ जो है वो फास्ट चलने लगती है यू बिकम ब्रेथलेस तो आपका इतना डिफरेंस आएगा नाउ हियर वी विल रीड द क्लॉक इन यू यू हैव ऑल हर्ड द टिक टिक ऑफ द क्लॉक हैव यू सीन अ डॉक्टर यूजिंग अ stethoscope टू लिसन टू योर चेस्ट आपने क्लॉक की टिक टिक आवाज तो सुनी है और आपने क्या देखा है कि डॉक्टर स्टेथोस्कोप यूज करते हैं आपके चेस्ट के ऊपर लगाते हैं और कान में डाल के कुछ सुनते हैं वॉट डू यू थिंक शी hears? वेयर इज द साउंड कमिंग फ्रॉम इज देर अ क्लॉक इन साइड योर चेस्ट दैट ticking टिकिंग अवे क्या सोचते हो आप क्या लगता है डॉक्टर क्या सुनते होंगे क्या आपके चेस्ट के अंदर भी एक छोटी सी क्लॉक हो सकती है जो ये टिक 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 आवाज़ करती है डू यू टू लिसन टू योर हार्ट बीट क्या आपको भी सुनना है आपके हार्ट बीट को टेक वन रबर ट्यूब एज लॉन्ग एस अ डिस्टेंस फ्रॉम योर शोल्डर टू योर एल्बो एक रबर ट्यूब लो आपके शोल्डर से एल्बो तक क्या उसका नाप होना चाहिए एट वन एंड ऑफ द ट्यूब फिक्स फनल फिर एक एंड के पास एक फनल लगा दो प्लेस द फनल ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट अब क्या करना है वो जो फनल आपने लगाया है जैसे ये पिक्चर में आपको आपको दिखाई दे रहा है एक लड़की ने फनल लगाया है और फिर उसके लेफ्ट हैंड साइड पे जहाँ पे आपका हार्ट होता है ठीक है तो वहाँ पे आपको फनल रख देना है पुट द अदर एंड ऑफ द ट्यूब टू योर ईयर अब क्या करना है दूसरा जो ट्यूब का एंड है वो आपके कान को लगाना है लिसन केयरफुली डू यू हीर अ धक धक साउंड अब आपको क्या करना है आप जब वो लगाओगे तो आपको आपके चेस्ट के अंदर से धक धक साउंड सुनाई देगा क्या आपको भी सुनाई दे रहा है सी हीयर यू कैन सी अ डॉक्टर इज यूजिंग अ सेथास्कोप इसे हम बोलते हैं सेथस्कोप जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर इसे आपके हार्ट बीट सुनते हैं क्यों सुनते हैं क्योंकि हमारे हार्ट बीट्स नॉर्मल होते हैं जो सेवेंटी टू सेवेंटी टू सेवेंटी टू टाइम्स चलते हैं पर अगर हमें बीमारी होती है तो हमारे हार्ट बीट्स या तो स्लो हो जाते हैं या तो बढ़ जाते हैं और इससे डॉक्टर को पता चल जाता है कि ये इंसान को कुछ बीमारी है थैंक यू चिल्ड्रेन वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल ऑल्सो मेक अ स्टैटस्कोप स्टे सेफ Have a nice day.